जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है, क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर, ए एंड ए का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी होगा, इसके जो एग्ज़ाम है वो किस हफ्ते से यानी किस डेट से आपके शुरू होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि मैं ऑफिस से जो भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी तो आप सभी को यहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। तो फाइनली आप सभी के बीच जो है वो जानकारी लेकर के आ चुका हूँ। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए एंड ए का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर फ्रेंड्स जानते हैं कि आप सभी के लिए जो है सभी पोस्ट के लिए 1061 वैकेंसी पर यहाँ पर जो आपका फॉर्म फिलअप किया गया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि सर, व्हीकल ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब होगा, सर फायरमैन का एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इनका जो रिजेक्शन लिस्ट है वो जारी हो चुका है और ए एंड ए का सभी पोस्ट का ऑलमोस्ट जो है एग्ज़ाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाने वाला है। कब तक कंडक्ट कराया जाने वाला है आप सभी देख पा रहे होंगे, सभी पोस्ट का है। 301 पोस्ट को छोड़ करके यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं सभी का जो एग्ज़ाम है वो उनका जो सिलेबस है वो सेम है आपका, जो कि आप सभी जानते हैं 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो किसी भी पोस्ट के लिए आपने यहाँ पर वैकेंसी को यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अब यही क्वेश्चन है कि सर, इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको मैं यहाँ पर अवगत करा देता हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो मार्च के फर्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। तो ये मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट जो वीक है मार्च का उस तक आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर, एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, तो मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम डेट को लेकर के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर, एग्ज़ाम डेट जो है, एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट कब से कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो है वो आपका यहाँ पर देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आप सभी को यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है, देखिए 13 से लेकर के 19 मार्च तक जो है किसी भी डेट से आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। हो सकता है आपका 18 मार्च से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए, हो सकता है 15 मार्च से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो इन्हीं डेट से 13 से 19 मार्च के किसी भी डेट से आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी शुरू करा दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर, एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाला है, एडमिट कार्ड कब तक आने वाले हैं, तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 13 से 19 के बीच किसी भी डेट से आपका एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर शुरू करा लिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर जो है कमेंट आ रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि अब आपके पास खुद को सिलेक्शन के लिए तैयार रखने का बहुत ही बड़ा मौका है। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में भी अवगत कराया था कि इस बार जो है सिलेक्शन लेना आसान क्यों है। आप सभी खुद जानते हैं कि सिलेबस आपका जो 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, 60 मिनट में आपका यहाँ पर जो है आपको आंसर देना होगा। पिछले बार ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे 2019 में, बट इस बार जो आपका केवल आपका मैथ पूछा जाने वाला है, रीजनिंग पूछा जाने वाला है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाने वाला है और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके लिए एक वीडियो मैंने डाल चुका हूँ आप सभी को और आपसे कहूँगा कि फ्रेंड्स, अंतिम दिन है और यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि मत कर इंतज़ार मेरे दोस्त की एग्ज़ाम कब होगा, कि मत कर इंतज़ार मेरे दोस्त की एग्ज़ाम कब होगा, इन अंतिम दिनों से ही तेरा सिलेक्शन निश्चित होगा। क्योंकि ये अंतिम सिलेक्शन, इन अंतिम दिनों से ही तेरा सिलेक्शन निश्चित होगा, रात दिन इतनी मेहनत कर कि इस बार तेरा ही सिलेक्शन हो। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अंतिम दिनों में इतनी मेहनत करो कि इस बार जो है आपको ये कहना ना पड़े पड़ोसी से कि यार, इस बार नहीं हो पाया, अगली बार ज़रूर हो पाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे और इन्हीं पंक्तियों के साथ जो है मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।